झुंझुनू के सूरजगढ़ से युवक की मौत की खबर आई है, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते युवक की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण युवक को समय पर इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उसकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक घरड़ गांव के नगेश का हाल ही में दिल्ली के एक अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसके बाद उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई, जिस पर परिजन डॉक्टर की सलाह पर चिड़ावा लेकर पहुंचे। चिड़ावा में निजी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हड़ताल के कारण किसी भी अस्पताल में ना चिकित्सक मिला और न ही वेंटिलेटर मुहैया हुआ। इसके बाद परिजन नगेश को चिड़ावा के सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस में नगेश को देख मृत घोषित कर दिया। हालांकि वेंटिलेटर चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में भी नहीं था। अध्यापक देवकरण भटिया का 4.5 महीने से दिल्ली में एक साकेत में इलाज चल रहा था। 2.5 महीने पहले लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, सब ठीक हो गया था। वहाँ से छुट्टी मिली 28/3/2023 को। घर पर हम शाम को 7 बजे लेकर पहुँचे, उसी टाइम सांस लेने में दिक्कत हुई। हमने साकेत मैक्स को सूचना दी, उन्होंने बोला जल्दी इसको वेंटिलेटर पर लो। हम वेंटिलेटर के लिए चिड़ाव पहुँचे। चिड़ाव पहले हम BCM में गए, उसके बाद में KDM में गए। वहाँ पर ताले लगे हुए थे, कोई डॉक्टर हमारे को उपलब्ध नहीं मिला हड़ताल की वजह से।